इसराइल की राजधानी समेत 3 शहरों पर हमास का रॉकेट हमला। इसराइल का भी ऐलान, ए जंग। हमास की सशस्त्र शाखा ने ऑपरेशन अल अक्सा फल्ड शुरू किया और शनिवार सुबह मध्य और दक्षिणी इसराइल में लगभग 5,000 मिसाइलें दागने की खबर आ रही है। मिसाइल हमलों में एक महिला की मौत के बाद इसराइल ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया है। इसराइल स्थित समाचार आउटलेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने इसराइली रक्षा बल के सैनिकों को भी बंधक बना लिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 8 बजे राजधानी तेल अवीव से रोट और अश्कलोन शहर में रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट रहायशी इमारतों पर गिरे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए इसराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। इधर इसराइल की सेना ने भी कहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। आर्मी ने अपने सैनिकों के लिए रेडीनेस फॉर वॉर का अलर्ट जारी किया है। समाचार एजेंसी AFP ने हमास के हवाले से कहा, हमने कब्जे के सभी अपराधों को समाप्त करने का फैसला किया है। बिना किसी जवाबदेही के उत्पात मचाने का उनका समय समाप्त हो गया है। हम ऑपरेशन अलक्सा फल्ड की घोषणा करते हैं और हमने 20 मिनट के पहले हमले में 5,000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। हमले से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अश्कलोन शहर में हुए हमले में एक वीडियो में इमारत और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को जलते देखा जा सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव के गोडरोट इलाके में रॉकेट गिरने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, वहीं 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमास के आतंकी हमले के बाद इसराइल ने भी हमास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है गाजा पट्टी का पूरा विवाद बताते हैं। गाजा पट्टी एक छोटा सा फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इसराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। फिलिस्तीन अरबी और बहुसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाका है। इस पर हमास द्वारा शासन किया जाता है, जो इसराइल विरोधी आतंकवादी समूह है, क्योंकि फिलिस्तीन और कई अन्य मुस्लिम देश इसराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। 1947 के बाद जब UN ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांट दिया था, जिसके बाद से फिलिस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें एक अहम मुद्दा जुइस राज्य के रूप में स्वीकार करना है, जो दूसरा गाजा पट्टी है, जो इसराइल की स्थापना के समय से ही इसराइल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण साबित हुआ है।